ये बुढ़िया जिकर नट बोर्ड से खोल रही तो मैं ज्यादा हमारे दिमाग को दही करो ना अगर तुमने तो बुढ़िया हम कसम खा रहे मुंगेरी लाल की तुम्हें दिन में हम तारा दिखा दे बुढ़िया जिका बुढ़िया बुढ़िया लगा रखो है तेरी अम्मा की उम्र के है ढंग से बोल ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करना हमसे हाँ नहीं तो अभी हम बता रहे हप्पू की है ना रिपोर्ट लिखवा दे अभी हम जाके ना ना बेटी ऐसा मत कर जा मेरे हप्पू को कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ जो करना है वो कर बाद में बात करेंगे ए बुढ़िया सुन ले शाम तक अगर तुमने जो डिजाइन बना के हमें नहीं दई ना तो खाबे को अपने इंतजाम ना मंदिर में कर ले समझी जा तो हमें तुम्हारी अम्मा के अवतार लग रही है माँ फिर से आ गई हमें तंग करने को बताओ सब इते बैठे हैं अब बाहर नागिन कित हैगी इते आ गई ना तो सबको बारी बारी से डसेगी 1 2 3 बड़ी जरूरत आती ना नौकरानी की तो सब काम हम कर रही हैं ऐसे अम्मा गिधाने गिधाने कपड़ा है बाकी बदबू आ रही थी मतलब पेटी कोट साड़ी पता नहीं का का धुलवा लो बाने हमसे सालन से ना धोयो सारे कपड़ा तो सुबह से सिर में दर्द हो रहा है हमसे कहीं पूछ रही हो तुम अपने पापा से पूछो अपने घर की खबर रखना पाते हैं या दरोगा बने फिर रहे हैं अच्छा और तुम भी तो दरोगा है ना तुमने कौन सी किला फतेह कर ली अरे चुप करो तो कैसी बात कर रही है ना ना चुप करो हैं आपस में शुरू हो गए बाहर नागिन के बारे में सोचो बाका कोई हल निकालो दादी मरने तो लगता है मोहल्ले वालों को ना सब बता देना चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो तो अपना साथ देने वाले लोग तो होंगे ना ओ दादा कहने को बनती है हरियाणा भी पुलिस और बता रही है इतना घटिया आइडिया अरे अबे तो बची खुची इज्जत है मोहल्ला में पता चल जाएगा तो पूरी कट जाएगी नहीं तो फिर क्या करें ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठे रहे थे अम्मा एक काम कर रहे हैं हम जा रहे हैं अबे बहनी के पास वो सारो जो समस्या से हमें निकालेगो गुइया बताएगो हमें पता है वो क्या करेगो 2-3 टिका के बिमलेश का राग शुरू कर देगो बिल्कुल सही कह रही है दादी यो पप्पा और बहनी अंकल दोनों के बस की बात ना है कुछ बस पिएंगे और घर वापस आ जाएंगे दोनों के दोनों एक काम करो ना ले लियो हमारे प्राण ले